हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिंस एजुकेशन चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, यहाँ पर आज हम लोग बात करेंगे COVID-19 वैक्सीन के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आया है कि मैम ये वैक्सीन कब आएगी, क्या ये वैक्सीन आ गई है। सो गाइज, इस चीज़ का रिप्लाई है कि येस, आपकी कोविड वैक्सीन लॉन्च हो गई है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है कि मैम ये वैक्सीन बच्चों को कब लगेगी, क्या इससे बच्चों को कोई खतरा है, क्या बच्चे स्कूल जा पाएंगे। सो यहाँ पर हम उन सभी के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो वैक्सीन आई है अभी फेज़ 1 के लिए, वो वैक्सीन अभी सिर्फ स्वास्थ्य कर्मियों के लिए होगी, जितने भी हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, सफाई कर्मचारी हैं, उन सभी लोगों के लिए, एंड जितने भी आपके पुलिस फोर्स में लोग हैं, फौज है, फौज में जितने आर्मी में लोग हैं, उन सभी लोगों को ये वैक्सीन का टीकाकरण लगाया जाएगा। एंड जो ये वैक्सीन है, ये जो 20 ईयर से अबव वाले लोग हैं उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है। उन लोगों के 20 ईयर से कम वाले लोगों के लिए ये वैक्सीन अभी एप्लीकेबल नहीं है। इट मींस कि जो वैक्सीन है ये बच्चों को नहीं लगाई जाएगी अभी। रीज़न बींग, जो बच्चों को टीकाकरण किया जाता है उसके लिए बहुत सारे प्रिकॉशंस की ज़रूरत होती है, उसके लिए बहुत सारे ट्रायल्स होते हैं। सो जो कि अभी नहीं हुए हैं, स्पेशल ट्रायल्स होते हैं बच्चों के लिए टीकाकरण के लिए, वो अभी नहीं हुए हैं, इसलिए 20 ईयर से एज ज़्यादा वाले लोगों का ही टीकाकरण किया जाएगा। आप लोग जानते हैं कि भारत में इतनी बड़ी आबादी है, सो उसमें से जो आपकी करोड़ आबादी है उसमें से सबसे ज़्यादा मींस 100% में से 88% जो कोरोना वायरस हुआ है वो सभी 20 ईयर से अबव एज वाले हैं। 20 ईयर से कम एज वाले सिर्फ 12% लोग हैं, मींस बच्चों को 12% ही अभी तक लक्षण देखने को मिले हैं। सो गाइज, सबसे पहले जो ये टीकाकरण होगा ये 20 ईयर से अबव एज वालों के लिए होगा। ओके, और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि ये जो कोविड वैक्सीन है क्या इससे कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं। सो यहाँ पे बता देते हैं कि अभी तक जो भी ट्रायल्स हुए हैं उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आए हैं। थोड़ा बहुत जो 50 ईयर से अबव वाले लोग हैं उनको हल्का सा जो सर दर्द है या हल्का सा बुखार के ही सिम्टम्स दिखाई दिए हैं। सो ये ऐसा कोई अभी तक सिम्टम्स नहीं आए हैं, कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आए हैं जो कि किसी को इफ़ेक्ट करे। ओके, एंड नाउ अब बात करते हैं कि COVID-19 की वैक्सीन के लिए कौन कौन से रूल्स फॉलो करने होंगे। इसके लिए 2 रूल्स फॉलो होंगे, जो कि है कि फर्स्ट आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, मींस जितने भी लोगों को टीकाकरण कराना है, वैक्सीन लगवानी है, उसके लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। एंड सेकेंड, ID प्रूफ मस्ट होगी। ID प्रूफ मस्ट इसलिए होगी, इससे गवर्नमेंट के पास अपडेट हो जाएगा कि जो ये वैक्सीन लगी है ये सही बंदे को लगी है, एंड उससे अपडेट भी हो जाएगा कि इतने लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसलिए ये दोनों चीज़ें आपकी कंपलसरी होगी, पहले रजिस्ट्रेशन होगा एंड आपकी ID प्रूफ मस्ट होगी। सो इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बस सभी बच्चों को ध्यान रखना है कि वो सेफ रहें, घर में रहें। अभी ये मत सोचें कि कोरोना वायरस ख़त्म हो गया है सो फ्री हो गए हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, आपको ध्यान रखना है, घर में सेफली रहना है, हैंड वॉश करते रहना है, एंड घर में अच्छे से रहना है, अपने स्टडी को करते रहिए कंटिन्यू, एंड आपको कोई भी ज़्यादा इधर उधर आने जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी कोरोना वायरस क्योंकि ख़त्म नहीं हुआ है, सो आप सभी सेफ रहें, घर में रहें। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। ओके, बाय बाय, टेक केयर।